प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकी ब्रेन के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखलाऊंगा ये मतलब लेबल माइक की, जो कि एक जेनेरिक लेबल माइक है और जिसको मैंने परचेज किया amazon.in से, और ये मेरे को पड़ा 165 रुपये का। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस माइक पे दो और वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला वीडियो तो होगा कि मतलब कैसे आप इस एक्सटर्नल यानी कि जेनरिक माइक को आप अपने फ़ोन के कैमरा, जो आपका डिफ़ॉल्ट कैमरा रहता है उसमें ये सपोर्ट नहीं करता है, तो कैसे आप, कौन सा कैमरा ऐप है जिसके द्वारा आप इस एक्सटर्नल माइक यानी कि लेवल माइक जो भी कह लो उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। और जो दूसरा वीडियो होगा वो मैं आपको बताऊँगा इस माइक का फुल क्वालिटी टेस्ट करके दिखलाऊँगा, इसका नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट करके दिखलाऊँगा, सभी टेस्ट करके दिखलाऊँगा। तो जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो दोनों मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो जैसा कि वो आप आसानी से देख सकेंगे। तो वो आज तक ये वीडियो, ये आज, ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, इसके मतलब कल होके वो दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो चलिए इसको सबसे पहले मतलब फाड़ लेते हैं और निकाल लेते हैं इसमें से क्या है जेनरिक माइक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लेड से कट लगा लिया है जहाँ से मैं आप इस जेनरिक माइक को निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, देख सकते हैं ये एक रैप में आया है एक जेनरिक माइक, और यहाँ पे आपको इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो ये रहा हमारा मेन माइक, और यहाँ पे एक बिल आया है जो कि अमेजोन की तरफ से आया है ये बिल, तो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो ये रहा हमारा मेन माइक, तो चलिए इसको अनरैप कर लेते हैं बिकॉज़ ये रैप में आया, कुछ बॉक्स में नहीं आया। तो यहाँ पर मैं इस रैप को हटा लेता हूँ। फिर इसके ऊपर से इसका एक कवर है, सॉरी एक मतलब रखने वाला है जहाँ से, जहाँ पे आप इस अपने माइक को रख सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं माइक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अनस्टिक करना पड़ता है, और ये रहा हमारा माइक, और यहाँ पे मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। ये जो माइक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, और जो इसकी क्लिप की क्वालिटी है वो बिल्कुल मेटल से बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मैं कैमरा को पास लेके आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ये क्लिप, और मतलब इसका जो वायर का क्वालिटी है वो भी एवरेज है यानी कि बहुत ही अच्छा ही है। और जो इसकी लेंथ है मैं आपको दिखलाता हूँ लेंथ कितना है, मैं इसको हटा लेता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है टाइट किया हुआ है, तो मैं इसको निकाल के दिखला देता हूँ जो इसकी वायर की लेंथ कितनी है। तो ये लगभग आपको 1 मीटर का आपको इसमें वायर देखने को मिल जाता है। और जो इसका मैं आपको बताया था कि इसका कैसे आप इसको एक्सटर्नल एक्सटर्नल माइक्रोफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट और क्या डिफरेंस आता है अपने स्मार्टफोन के माइक से रिकॉर्ड करने से, और इसका सारा वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। तो बस ये अनबॉक्सिंग वीडियो था ये माइक का। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो माइक है इसमें ये पॉप फिल्टर दिया गया है, पॉप फिल्टर दिया गया है जिसके द्वारा वो जो नॉइज़ में इको आता है वो आपका इको जरा सा भी नहीं आएगा। आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं लेकिन अभी मैं नहीं रिमूव कर रहा, और जो इसकी पॉप फिल्टर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैं दो वीडियो कल डालने वाला हूँ अपलोड करने वाला हूँ वो भी आपको पसंद आएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कर, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।